हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्प पर। तो दोस्तों, आप पूछ रहे थे कि एनबीएस की एग्जाम डेट कब मिलेगी हमें, कब इसका पता चलेगा। आरटीआई रिप्लाई से कुछ पता नहीं चल रहा है। तो फिलहाल एक इन्फॉर्मेशन निकल के आई कि इसकी एक अनुमानित डेट क्या हो सकती है। एनटी जो आपका एनबीएस का एग्जाम होने वाला है, वेरियस पोस्ट पर, जेएसए, एमटीएस, एएसओ और मैस हेल्पर वगैरह, लैब अटेंडेंट, जो भी अदर पोस्टेस हैं उसके बारे में। तो चलिए, क्या अपडेट निकल कर आई, चलते हैं लैपटॉप की तरफ, आपको दिखाता हूँ क्या अपडेट निकल कर आ रही है। ठीक है, चलिए लैपटॉप की तरफ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये अभी यहाँ पर मैंने एक अपडेट डाला था जो कि आपका निकल कर आया था एसएससी की तरफ से। ठीक है, एसएससी की तरफ से नोटिस निकल कर आया था जिसमें उसने सिलेक्शन पोस्ट के लिए एग्जाम डेट जारी की है 20 से 26 जून। ठीक है, 20 से 26 जून तो ये है। इसमें केवल एक 22 तारीख का डेट है और एक 23 तारीख का मिसिंग है, बाकी लाइन से। इसके बाद 26 के बाद यहाँ पर देखिए 27 और 29, एक सेकंड रुकिएगा, है ना। देखिए, थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको क्लियर हो। ठीक है, यहाँ पर 27 और 29 जून में इनका, इसका दिल्ली पुलिस सीपीओ वाला जो पेपर होता है वो 27 से 29 में, है ना, 27, 28, 29। तो ये भी स्लॉट आपका खत्म हो गया। ठीक है, जून में ये भी स्लॉट गया आपका। ओके, इसके बाद यहाँ पर 1 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक, ठीक है, कॉन्टिन्यूशन में लगभग देखिए 5 है, फिर 6, 7 नहीं, बाकी 8, 9, 10, 11 ये पूरा डला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी डेट इसने नहीं दी, बाकी 2 डेट यहाँ पर है, 1 डेट यहाँ पर है। तो इस तरीके से तो एग्जाम लेगा नहीं। अगर वो लेगा तो इन 2 डेट्स पे आपका जो एनबीएस है वो ले सकता है एग्जाम, या फिर 11 जुलाई के बाद ही कहीं जाके आपका जो एग्जाम है एनबीएस के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। तो आप मान के चलिए कि 15 जुलाई या उसके बाद ही आपका एग्जाम होने वाला है। तो एक अच्छा खासा समय आपके पास, 30 से 40 दिन का समय और मिल जाता है आपको अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। तो इस एग्जाम मतलब इस डेट को, 15 जुलाई की जो डेट है एक्सपेक्टेड, मान के अगर आप अपने 1 महीने का जो टाइम प्लान है उसको इंक्रीज कीजिए, उसके अकॉर्डिंग पढ़ते रहिए। तो ये छोटा सा एक अपडेट था। आई आशा करता हूँ आपको ये अपडेट अच्छा लगा हो। तो अपडेट अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं, देखिए कल सैटरडे और संडे छुट्टी है मेरी, तो कल आपके लिए डेली जितनी वीडियो मेरे पास संभव हो सकेगी मैं बना दूंगा। देखिए एक्चुअली में होता क्या है, गर्मी इतनी पड़ रही है ना, मेरा ऊपर का रूम है तो इतना गर्म हो जाता है, तो मैं वीडियो बनाने के लिए क्या करूँ, मेरी हेल्थ भी थोड़ी सही नहीं रहती। ठीक है, इतनी गर्मी पड़ती है, देखिए अभी अभी आपको बनाने के लिए मेरे को पंखा डाउन करना पड़ा, क्योंकि अगर मैं पंखा तेज करूँगा तो आवाज़ आएगी। ठीक है, कूलर भी वहाँ रखा है, वो बंद करना पड़ा मुझे। तो गर्मी इतनी, हीट इतनी होती है, अभी भी रात के 12:30 बज रहे हैं। आप ऊपर देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए देखिए देखिए, रात के 12:30 बज रहे हैं, है ना, रात के 12:30 बज रहे हैं और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इस समय थोड़ा सा ठंडा मुझे महसूस होता है। आपने देखा होगा लगभग जितनी मैं वीडियो डाल रहा हूँ कुछ दिनों से, वो रात में ही आपको देखने को मिलती है, क्योंकि एक्चुअली मैं रात में थोड़ा ठंडक होती तब मुझे चैन मिलता, नहीं तो इतनी गर्मी है मैं क्या ही कर सकता हूँ, है ना। तो आपके लिए पूरी कोशिश करूँगा कल और परसों के दिन में, है ना, सैटरडे संडे जितनी संभव हो सकेंगी वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगा। तो उसके लिए चैनल पर जुड़े रहिएगा, द एग्जाम हेल्पर, इसको सब्सक्राइब कर लो। और दूसरा जो चैनल है, दूसरा लैप का द एग्जाम हेल्पर जी के यूट्यूब चैनल, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।